आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कच्चे आम की एकदम मज़ेदार और बहुत ही चटपटा रेसिपी, जिसे आप चटनी कह लीजिए, मुरब्बा, जैम या फिर चुंदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम और आप सभी का नीलम जायका एंड लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। इस रेसिपी को आप एक साल तक स्टोर कर सकते हैं और आप इसे रोटी, पराठा, पूरी या फिर ब्रेड के साथ लगाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही यमी लगती है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए इस मज़ेदार और टेस्टी चुंदा को बनाना शुरू कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नई रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर सब्सक्राइब करने का ऑप्शन बिल्कुल फ्री है। आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 700 ग्राम आम। तो आम इस तरह का लीजिए, कच्चा होना चाहिए और इस तरह के हरे वाले लीजिए। इसकी चटनी जो होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले हमने इसे धो लिया है और धोकर हम इसे अच्छी तरह से एक सूती कपड़ा या फिर टॉवेल से इसे हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, ताकि इसमें कोई भी पानी ना हो। तो इसी तरह से सभी आम को हम इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए, मैं इस आम को अच्छी तरह से पोंछ लिया है और बिल्कुल पानी इसमें नहीं है, तो इस आम को हम इस तरह से छील लेंगे। तो एक एक करके सभी आम को हम पहले छील लेते हैं। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इसे छीलने के बाद हमें वॉश नहीं करना है, जो भी हमें साफ़ करना है वो पहले ही आप इसे धो करके साफ़ कर लीजिए। बस हम इसी तरह से सभी आम को छील लेंगे। और इससे पहले भी मैंने कटहल का अचार का वीडियो अपलोड किया था, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखिए। बहुत ही डिलीशियस अचार बना है, तो आप उसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, आम को हमने अच्छी तरह से छील लिया है, तो इस तरह का हम एक लेंगे ग्रेटर और ग्रेटर की मदद से हम इस आम को ग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले जो भी आम है उसे हम ग्रेट कर लेते हैं और जो गुठली होगा उसे हम फेंक देंगे। इस आम को ग्रेट करते समय थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आम जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं। तो लीजिए, मैंने सभी आम को इस तरह से ग्रेट कर लिया है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं इस चटनी को बनाने के लिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि इस चटनी को बनाने के लिए क्या क्या मसाले चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा, साथ में हम ले लेंगे 1 टीस्पून कलौंजी, जिसे हम अंग्रेला भी कहते हैं, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर सौंफ और 1/2 टीस्पून लेंगे अजवाइन। और ये जो सभी चीज़ें हैं पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इन सभी चीज़ों को हमें करना क्या है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक पैन और पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें हम सभी मसाले को मिला देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। इसे लगातार चलाते रहें ताकि नीचे से जले ना। तो चलिए, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और बाद में हम इसे पाउडर बना लेंगे। और इसी पैन को फिर हमने गैस पर रख दिया है और इस पैन में हम डालेंगे जो आम को हमने कद्दूकस करके रखा है, साथ में हम मिलाएंगे इसमें 200 ग्राम चीनी, 100 ग्राम हम इसमें मिलाएंगे गुड़। है तो सिर्फ चीनी का भी बना सकते हैं या फिर गुड़ का भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गुड़ और चीनी को मिलाते वीडियो हमारा मिस हो गया है। तो आप इस आम में 200 ग्राम चीनी डालिए और 100 ग्राम गुड़। और इस बात का ध्यान रखिए कि पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि जब भी हम गुड़, चीनी और आम को डालते हैं खुद पानी छोड़ने लगता है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और इसे लगातार चलाते रहिए। मसाले को हमने जो रोस्ट किया था वो ठंडा हो गया है, तो इसे हम कूट लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर बारीक पाउडर हमें नहीं बनाना है, इसे हल्का सा कूट लीजिए। और इस आम को हमें लगातार चलाते रहना है बीच बीच में, ताकि नीचे से लगे ना। इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गया है, तो इसमें हम मिला लेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तीखा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो चलिए, इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गैस का जो फ्लेम है उसे आप मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते रहें। इस चटनी को हमें 3 फ्लेवर देना है, तो आप भी कोई भी चीज़ को मिस ना करें और इसे लगातार चलाते रहें। और पहले से काफ़ी थिक हो गया है।
और यहाँ पर जो हमने मसाले को रेडी करके रखा है उसे मिलाने की बारी आ गई है, तो इसे हम मिला लेते हैं। इसे मिलाने से बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इन सभी मसाले को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखिए और इसे लगातार चलाते रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिश्रण है वो जैम के फॉर्म में आ गया है। अब हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो होगा क्या कि बाद में हार्ड हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर लेंगे। तो लीजिए, खट्टी मीठी चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है और इसे बनाने में लगा हमें 8 से 10 मिनट। तो बस हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे हम गैस से नीचे रख लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। हमारी खट्टी मीठी चटनी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम चलते हैं फटाफट से सर्व करने। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आम की खट्टी मीठी चुंदा बनकर तैयार है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो मार्केट जाइए, ढेर सारा आम लेकर आइए और 10 मिनट में फटाफट से बनाकर रख लीजिए। और इस चटनी को आप 1 साल तक फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और पूरे साल तक पूरी, पराठा, ब्रेड के साथ खाते रहिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इस चटनी को निकाल रहे हैं तो गीले चम्मच से ना निकालें, इससे आपकी चटनी एकदम फ्रेश रहेगी और पूरे साल तक टिकी रहेगी। तो आज की हमारी खट्टी मीठी चटनी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।